2025 आने वाला साल मूल अंक 2 वाले के लिए कैसा रहेगा, उनका करियर कैसा रहेगा, नुकसान देगा कि फायदा देगा, तो चलिए इसी पर हम वीडियो बनाए हैं। मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए 2025 मूल अंक 2 वाले के लिए, 2 तारीख के जन्म मूलांक 2 वाले होते हैं, 11 तारीख के जन्म मूलांक 2 वाले होते हैं, 20 तारीख के जन्म मूलांक 2 वाले होते हैं और 29 तारीख के जन्म मूलांक 2 वाले होते हैं। जिनका 29 तारीख के जन्म होता है उसमें 9 नंबर और 1 चंद्रमा का नंबर 2 मिल के 2 अंक को बनाता है। 20 तारीख वाले में सिर्फ चंद्रमा का नंबर होता है, 0 को नहीं लिया जाता है, लोसो ग्रेड के हिसाब से चलिएगा तो आपको 0 इसमें नहीं रहता है, सिर्फ अंक का खेला है। 11 तारीख का जन्म है तो 1-1 को जोड़िएगा तो आपको 2 बन जाता है, तो 11 तारीख के जिनका जन्म है वो भी मूलांक 2 वाले होते हैं। तो सभी को फर्क पड़ता है, जिनका 2 तारीख का जन्म है वो अलग उनका फ्रिक्वेंसी होगा, जिनका 11 तारीख का जन्म होगा उनका अलग फ्रिक्वेंसी होगा, जिनका 20 तारीख का जन्म होगा उनका अलग फ्रिक्वेंसी होगा और जिनका 29 तारीख का जन्म होगा उनका अलग फ्रिक्वेंसी देगा। तो चलिए 29 तारीख से हम शुरू करते हैं। जिनका 29 तारीख का जन्म है तो इसमें 9 नंबर और 2 नंबर मिल के, जैसे अर्थ एलिमेंट और फायर एलिमेंट मिल के जो है यह 2 अंक को बनाया, तो इसको ज्यादा लाभ होगा 2025 में। 2025 में 9 नंबर आया है तो 9 नंबर जैसे आया है तो इनको ज्यादा लाभ होगा। अब चलिए 2025 को 2 को छोड़ देते हैं, 25 को जोड़ते हैं, 5 और 2 7, यदि 5 और 2 7 आता है तो 7 नंबर 2 वाले के लिए ज्यादा लाभ देता है। सिक्का के एक ही पहलू है, 7 नंबर और 2 नंबर, अगर 7 नंबर और 2 नंबर का व्यक्ति रहेगा तो दोनों में प्रेम ज्यादा रहेगा। अगर शादी भी कर रहे हैं, आपका 2 अंक है और लड़का का 2 अंक है, लड़की का 7 अंक है, तो बहुत बढ़िया आपका जोड़ा बनेगा। तो 7 अंक जो 25 का बन रहा है तो 7 अंक 2 अंक वाले के लिए लाभ लेके आया है। तो 2025 में 29 तारीख के जिनका जन्म है उनका मूलांक 2 आ रहा है तो उनको सबसे ज्यादा लाभ होगा 2025 में। नौकरी, बिजनेस, परिवार सपोर्ट, मतलब कि फैमिली में भी वो अच्छा रहेंगे, दोस्त यार भी अच्छा रहेगा, मैरिज नहीं हुआ होगा तो मैरिज होगा उनको, मतलब कि हर काम में उनका उन्नति होगा। अब आइए 20 तारीख के जन्म, 20 तारीख में 1 चंद्रमा का नंबर 2 नंबर है तो ये 2 नंबर जो है इनका भी फायदा होगा, बाकी इनका थोड़ा सा स्लो फायदा होगा, इसलिए कि इसमें 0 था, 0 को हटाए तो 2 नंबर निकल के आया, तो थोड़ा सा स्लो रहेगा, बाकी इनका भी परिवार सपोर्ट अच्छा रहेगा और थोड़ा सा इनको दुश्मन से बचने पड़ेगा, और नहीं तो दुश्मन से तुतु मनमय हो जाएगा और कुछ दोस्त यार से भी ट्रेबल इनको आएगा। तो यह सब मामला को थोड़ा सा हटा के चलिएगा तो 2025 आपके लिए खुशहाली लेके आ रहा है, आपको अच्छा लाभ होगा, हर क्षेत्र में लाभ होगा, नौकरी हो, चाहे तो मकान बना रहे हो, चाहे शादी कर रहे होंगे, सब चीजें में आपको लाभ होने वाला है। अब आ जाते हैं 11 तारीख के जन्म, 11 तारीख वाले भी मूलांक 2 वाले होते हैं, तो 11 तारीख के में सूर्या का नंबर 2 होता है, 2 को जब सूर्या का नंबर है उसको वाटर एलिमेंट लोसो ग्रिड से कहते हैं, इनको बम्फर इनाम मिलेगा। जिनका 11 तारीख का जन्म है उनको बम्फर इनाम है, समझ लिया कि 2025 उनके लिए ऑफर लेके आ रहा है, उनको लाभ उठाना चाहिए, हर क्षेत्र में उनका लाभ मिलेगा, समझ लीजिए कि कोई कार्य करेंगे तो उनको सफलता हासिल हो जाएगा। अब आ जाते हैं 2 तारीख के जन्म, जिनका 2 तारीख के जन्म है इनको अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है, दोस्त यार से भी सपोर्ट मिलेगा, इनको घर के फैमिली भी सपोर्ट करेंगे, आई थोड़ा सा छोटा छोटा बात को जो है ना जैसा इग्नोर करके चलेंगे तो इनका भी लाइफ बनने वाला है 2025 में। तो मूल अंक 2 वाले के लिए जो है ना 2025 समझिए कि लाभ लेके आ रहा है, उसमें बहुत सा नंबर है, जैसे 29 तारीख का हो गया, 20 तारीख का हो गया, 11 तारीख का हो गया और 2 तारीख का हो गया, ये मूल अंक 2 वाले होते हैं, तो इनको थोड़ा सा उतार चढ़ाव का सामना करने पड़ेगा,
बाकी इनको लाभ मिलने वाला है। समझ लीजिए कि इस साल से बढ़िया 2025 रहेगा आपका, तो 2025 आपके लिए जो है खुशहाली का समय लेके आ रहा है।